दैट इज नॉट द केस में कोई मेन मेथड नहीं होता जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ एक चीज होती है एंड इज इवेंट रिवेंट प्रोग्रामिंग सो जब भी हमारा कोई इवेंट अकर हुआ तो वी विल एग्जीक्यूट अ फंक्शन सो देर इज नो एंट्री पॉइंट ऑफ द फाइल इट इज एवरीथिंग ऑन बेसिस ऑफ एन इवेंट ओके तो प्रोग्राम वेट फॉर द यूजर एक्शन कॉल्ड इवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दर इज नो मेन मेथड uh, writing programs driven by the user events is called event driven programming okay and let's write a half okay to so, ab ye ho तो अब हम क्या करते हैं एक छोटा सा पेज बना के देखते हैं जिसमें हम इवेंट रिवेंट प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि वो है क्या uh, इससे पहले आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ विच इज द कंसोल तो हमने उस दिन देखा था पहले भी इन द फर्स्ट डे कि अगर हम इंस्पेक्ट दबाते हैं किसी भी पेज पे तो हमारा ये आ, एक कंसोल खुलता है यहाँ पे कंसोल पे अगर मैं क्लिक करूंगा सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं राइट तो वेब ब्राउजर में अगर आपको जावज लिखनी है कहाँ पे लिख सकते हो कॉन्सोल में लिख सकते हो आप उसका एग्जीक्यूट करके आ, देख सकते हो कि क्या आ रहा है राइट तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखू अभी हम देखेंगे ये क्या होता है तो अगर मैं यह, यहाँ लिखू कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड ओके okay, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है कंसोल लॉग का मतलब कंसोल पे प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड ओके इट इज सेम एज जैसे सिस्टम डॉट डॉट आउट होता है जावा में या प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन में बिल्कुल वैसे ही कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड ठीक है तो uh, ये ये बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे आप जावा का आउटपुट देख सकते हो इसको कंसोल कहते हैं ओके okay? अब हम आते हैं वापस अपने कोड पे एक कोड uh, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं Um, तो यहाँ पे एक पहले मेरे को एच फाइल बनानी होगी बिकॉज एच के अंदर ही मेरा स्क्रिप्ट uh, आएगी राइट तो आई हैव मेड एन एच फाइल डेमो नाम दे देते हैं इसको एंड यहाँ पे वील स्क्रिप्ट टैग एंड स्क्रिप्ट टैग में मैं बोलूंगा src आर सी इज इक्वल टू डेमो डॉट जे ठीक है एंड बॉडी uh, में कुछ भी नहीं करते let's keep the page, अभी के लिए लेट्स इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे डेमो डॉट एच टी एम एल के नाम से ठीक है नाउ एक और फाइल बनाते हैं डेमो डॉट एस के नाम से और इसमें हम लिखेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर हेलो वर्ल्ड ओके इसको भी इसको भी सेव कर देते हैं एज डेमो डॉट जे एस demo.js सेव हो गई एंड ये demo.html save हो गया अब मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करूंगा तो अब मैं अगर यहाँ पे console खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हो console पे हेलो वर्ल्ड आया है what does दिस मीन दिस means दैट demo.js डॉट लोड हुई होगी एंड whenever demo.js डेमो लोड हुई होगी तो वहां पे demo.js बंद हो तो वहां पे कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड चला होगा राइट right? सो so, ये दिस इज हाउ वी हैव मेड अ बेसिक स्क्रिप्ट टैग लगाया हमने और इंपोर्ट करता हूँ एक बटन डाल देता हूं एंड बटन राइट राइटर क्लिक मी ओके मैंने एक बटन बना दिया अब, अब रीलोड करूं तो यहाँ पे एक बटन है क्लिक मी पे कुछ नहीं हो रहा एज ऑफ नाउ ठीक है अभी हम क्या करने वाले हैं कि क्लिक मी पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए ओके तो यहाँ पे हाउ विल आई डू दिस दिस इज यूजिंग डेन यूजिंग एक ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लगाता हूँ एट्रीब्यूट ठीक है एंड ऑन क्लिक पे आई हैव टू से कि सम फंक्शन शुड बी कॉल्ड ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन ओके तो ऑन क्लिक पे वॉट डू आई हैव टू डू ऑन क्लिक पे आई हैव टू कॉल अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन हैज टू बी A तो मैं पहले एंड आई विल राइट जाऊंगा फंक्शन का नाम क्लिक दे हैंडलर okay, तो एक फंक्शन है और क्लिक हैंडलर पे मेरे को क्या करना है मेरे को करना है कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आई टू सेलो अगेन ठीक है अगर आपने नोटिस करा हो यहाँ पे मैं सेमिकोल नहीं डाल रहा हूँ तो सेमिकोल डालो या ना डालो बोथ द थिंग्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता uh, आपकी प्रेफरेंस है ओके तो आई आई प्रेफर नॉट पुटिंग द सेमिकोल इफ यू वॉन्ट यू कैन पुट द एज वेल ओके तो ऑन क्लिक में अब मेरे को ये फंक्शन का नाम देना है विच इज क्लिक हैंडलर ओके तो ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे डालूंगा क्लिक हैंडलर तो अब अगर मैं जाऊं अपने पेज पे और क्लिक में करूं आई okay, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो हेलो अगेन आता है और इसके आगे अब मैं दोबारा बार बार क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ये काउंट बढ़े जा रहा है तो ये काउंट का मतलब इतनी बार हेलो अगेन आ चुका है इनस्टेड ऑफ शोइंग हेलो अगेन बार बार वो यहाँ पे काउंट दिखाया जा रहा है कि इतनी बार सेम चीज आई है ओके okay? उ इट ड्रिवेंट प्रोग्रामिंग वर्क अभी हम और देखने वाले हैं कि इवेंट ड्रिवेंट प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं सो लेटस कंटिन्यू चीज हमने करके देख ली क्लिकेबल बटन दैट पॉप अपही चीज जो है जो हमने अभी देखी है करके इसी को एक्सप्लेन करा है यहाँ पे कि एक बटन बनाया मैंने क्लिक मी नाम से ओके एंड फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो जैसे हमने वहां करा था एंड फंक्शन में वी हैव डन समथिंग हेलो हाउ आर यू और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग की जगह हमने अलर्ट यूज करा है तो नाउ जैसे कॉन्सोल लॉग एक फंक्शन है वैसे ही अलर्ट भी एक फंक्शन है एंड डज अलर्ट डू अलर्ट आपको एक पॉप अप दिखाता है कैसे लेट्स तो ये क्लिक हैंडलर में इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग हम कह सकते हैं अलर्ट ओके okay. इसको सेव करते हैं एंड रीलोड करते हैं अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो अब आप देख सकते हो एक पॉपअप आया हेलो अगेन ठीक है तो दिस इज वॉट अलर्ट तो इसमें मैं जब भी क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट आ जाएगा ऐसे राइट तो अलर्ट अलर्ट जो है वो फंक्शन उसको हम जो भी टेक्स्ट देते हैं वो एक उसका अलर्ट पॉपअप बनाता है एंड हमको दिखाता है ठीक है सो दिस इज अबाउट अ फंक्शन तो फंक्शन का हमने इसी के साथ साथ सिंटैक्स भी देख लिया फंक्शन कैसे होता है? विदेशन की वर्ड इट स्टार्ट देन यू अ फंक्शन आप एट्रीब्यूट uh, पैरामीटर्स डाल सकते हो इस फंक्शन के कि ये फंक्शन क्या-क्या लेने वाला है पैरामीटर्स एंड देन द फंक्शन बॉडी ओके सो दिस इज द कॉन्स्ट्रक्ट फॉर अ फंक्शन की फंक्शन कैसा होता है राइट right? um, तो अभी हमने सिंपल एग्जाम्पल देखी कि कैसे फंक्शन के क्लिक पे बटन uh, के क्लिक पे हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं राइट right? अब जैसे यहाँ पे हमने देखा ऑन क्लिक ऐसे ही ऑन हवर भी होता है देर आर मेनी मोर एट्रीब्यूट आप अगर कंप्लीट लिस्ट चाहते हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो तो यू विल गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ दीब्यूट जिसपे हम जावास्क्रिप्ट कॉल कर सकते हैं राइट right? तो अगेन द सेम थिंग इज शोन ओवर हेयर माई फंक्शन जो है उसको कॉल करा ऑन क्लिक पे ओके okay. तो यहाँ तक हमारा इवेंट हैंडलिंग कंप्लीट होता है यहां पर आईल होल्ड फॉर वाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो सर एक बार आप एच वाला दिखाएंगे एक बार हाँ, बिल्कुल। हाँ ये है सर इसमें जो अपन बटन है वो सर मतलब अपन को फंक्शन कॉल करना हो तो डबल कोर्स में डालना है कोई भी अगर फंक्शन कॉल करना हो हाँ यहाँ पे डबल कोर्स मल्टीपल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे आप बेसिकली आपको मल्टीपल फंक्शंस कॉल करने हैं तो एक फंक्शन कॉल करो जैसे क्लिक हैंडलर रैप लिख दो रैपर ठीक है और ये जो रैपर है ये इस नाम से एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो ओके okay, और उस फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शन कॉल कर लो okay, ऐसा sir. ऐसा कुछ करके एंड इन साइड से पहले हम क्लिक हैंडलर को कॉल करेंगे उसके बाद से हम क्लिक हैंडलर को दोबारा कॉल करेंगे तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते ओके ओके सर किसी को कोई और डाउट ओके देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट चीज हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पहली चीज देखी थी कि वो इवेंट ड्रिवे होती है दूसरी हमने देखी थी कि हम डायने uh, अपने पेज को चेंज कर सकते हैं जावर जावास्क्रिप्ट तो वो कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट एक कंसेप्ट है डॉम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सो वील गो थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी चेंज द वेब पेज ओके तो डॉम क्या होता है Dom basically होता है कि जब भी आप पूरा अपना HTML का वेब 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 पेज पेज बनाते हो, तो right? तो ये ब्राउज़र तो वो क्या करता है? ट्री बनाता है, एक बनाता -like वो ट्री -like structure क्या होता है जिसमें सबसे ऊपर वो रखता है एच टी नोड को राइट right? उसके चिल्ड्रेन में रखेगा हेड को एंड बॉडी को बिकॉज उसके चिल्ड्रेन में हेड एंड बॉडी आते हैं फर्स्ट लेवल उसके बाद आ, हेड एंड बॉडी के आगे जो चिल्ड्रन होंगे तो ऐसे एक पूरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एक ट्री ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पूरे वेब पेज का राइट नाउ दिस इज मेड इन द वेब ब्राउजर एंड वेब ब्राउजर में जो ट्री बनता है इसको हम बोलते हैं डॉम ट्री ठीक है dom tree. तो इसको डॉम ट्री बोलते हैं और ये हर एक जो नोड है हर एक नोड को हम बोलते हैं डॉम नोड ठीक है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री है ये एंड हर एक नोड है डॉम नोड ओके तो इस पे क्या है हर एक डॉम नोड के साथ एक स्टेट एसोसिएटेड होती है right? कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो नोड है ये रेंडर्ड है इसका टैग कौन सा है इसका कंटेंट क्या है इसके चिल्ड्रेन कौन है तो हर एक हर एक नोड की एक स्टेट होती है दैट स्टेट इज नथिंग बट इट इज जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इसकी पूरी स्टेट पड़ी होती है राइट right? तो

इसके स्टाइल में जाके इसका कलर जो है वो रेड कर दो या बैकग्राउंड कलर रेड कर दो तो वी कैन चेंज द स्टाइल्स आल्सो एसोसिएटेड टू इट ठीक है तो अभी नेक्स्ट पे हाँ, अभी हम देखते हैं कि लेट्स से कोई भी हमारे पास एक वेब पेज पे आ जाते हैं इसी वेब पेज पे आ जाते हैं गूगल डॉट कॉम पे ठीक है तो इस पे पहली चीज एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट होता है ओके ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये क्या होता है ये फुल हमारा जो पेज है फुल पेज जो है इसका हमारा आ, इसको रिप्रेजेंट करता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ठीक है तो किसमें डॉम ट्री में जो डॉम ट्री है उसमें सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है तो अगर मैं बोलूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओके और इसमें हम एक आईडी पास करें तो हमने पहले भी देखा था उससे हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है तो कैसे मिल रहा है उसकी भी इंटरनल वर्किंग यही है कि वो इस डॉन ट्री में सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट यहाँ पे HTML के ऊपर भी डॉक्यूमेंट नाम का एक पेरेंट होता है सबका ठीक है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वह आई डी कह रहे हैं सारे अंदर डिसेंडेंट्स में जाओ चिल्ड्रेन में और डिसेंडेंट uh, नहीं चिल्ड्रेन में जाओ और देखो कि किसकी आईडी जो है वो इससे मैच कर रही है और वो वाला एलिमेंट रिटर्न करो ठीक है तो जब भी हम एक एलिमेंट गेट कर रहे हैं ऐसे

तो ये आपको बता देगा कि ये लोगो कोड में कहा है राइट right? एंड अब मैं अगर कंसोल में जाता हूँ एंड कंसोल में मैं लिखता हूं डॉलर एंड जीरो ऑटोमेटिकली जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट करा था लास्ट उसका रेफरेंस होगा ये ठीक है तो डॉलर जीरो आप देख सकते हो ये इस नोड का रेफरेंस है इस डॉम नोड का इसका जो इमेज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डॉमट्री में नोड होगा डॉम नोड उसका रेफरेंस है ठीक है तो अब हम देखते हैं जैसे ये इमेज है ठीक है तो इसका इसने ड नोड पकड़ा तो ये डॉम नोड एक्चुअली क्या होगा ये एक ऑब्जेक्ट होगा जैसे हमने देखा था एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट राइट एंड इसमें क्या होगा इसमें इसके टैग का नाम एस आर सी ऑल्ट आई डी ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट जितने और सारा कुछ है वो वो इस इंफॉर्मेशन इसमें पड़ी होगी राइट right? तो अगर मैं देखू डॉम सॉरी डॉलर जीरो एंड देन आई से डॉट टैग नेम तो आप देख सकते हो इसका टैग नेम आ रहा है आई एम डी ठीक है ऐसे ही मैं अगर देखो डॉलर जीरो डॉट सोर्स तो ये आ रहा है इसकी इमेज का सोर्स तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस तो अगर अगर लेट से मैं बदल दू कुछ जैसे मैं बोलू डॉलर जीरो का सोर्स इज इक्वल टू और कोई इमेज उठा लाते हैं रैंडम इमेज कोई भी इमेज उठा लेते हैं ओके कॉपी इमेज एड्रेस एंड नाउ आई गो हेयर और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपी नहीं हुआ शायद आम, इसी इमेज को ले लेते हैं हाँ तो अगर मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सोर्स ऑफ द इमेज और मैं एंटर करता हूँ तो अब ये वाला जो है ये इस इमेज का सोर्स बन गया फॉर सम रीजन गूगल ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि यहाँ चेंजेस मैं नहीं कर सकता अदरवाइज मैं डायनेमिकली चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे इमेज जो है ये वेरी कर जाएगी ओके okay. तो वी कैन डायनेमिकली चेंज द इमेज सोर्स लाइक दिस ओके लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स तो यहाँ पे भी यही दिखाया है स्लाइड में भी कि हमने लेट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई से हमने करा था और एक आइकन में उसको उठा लिया और आइकन का हमने बोल दिया सोर्स इज इक्वल टू किटी डॉट जिव तो हमने इस केस में कोई और इमेज डाल दी राइट right? तो ऐसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं किसी चीज का सोर्स ओके नेक्स्ट थिंग इज हमने जो बात करी थी डॉम लुकअप की तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई इज यूज फॉर दैट जैसे हम आई से ले रहे हैं ऐसे ही वी कैन ग्रेब एलिमेंट यूजिंग देयर क्लास ऑल्सो सो वी हैव अ फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास बिकॉज क्लास से हमको मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं आईडी से हमको सिंगल एलिमेंट मिलता है राइट तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम आप देख सकते हो ये और यहाँ पे अगर मैं क्लास का नाम डालूंगा राइट right? तो मेरे को उस क्लास के नाम वाले सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई क्लास का नाम क्लास इज इक्वल टू कॉन्टेंट है ना हाँ तो so यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेंट लिखूंगा ठीक है तो आप देख सकते हो एक मेरे पास एरे uh, रिटर्न करा है इसने उस एरे में दो आइटम्स हैं एक डिव मेन कॉन्टेंट है एक डिव मेन कॉन्टेंट दो ये हैं बेसिकली तो अगर मैं इसका एलिमेंट उठाऊं तो आप देख सकते हो पहला एक डिव आ रहा है और इसका अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट उठाऊं तो ओके uh, okay, एक ही एलिमेंट है इसमें राइट वो दूसरा जो है वो मेन है यही है राइट right? तो एक ही एलिमेंट है सो so, अगर यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स होते तो आई गेट एरे जिसमें सारे एलिमेंट्स मेरे को मिल जाएंगे ओके okay? तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास वर्क यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाई है कि हमने नेम में गेट एलिमेंट बाय आईडी कर कर लिया आईडी तो जिस भी डॉम एलिमेंट की आईडी आईडी होगी वो नेम में आ जाएगा राइट एंड नाउ आई कैन डू थिंग्स लाइक की लेट से मेरे को एक मैंने फंक्शन डिफाइन करा जिसके अंदर मैंने एक स्पैन उठा लिया जिस स्पैन की आई डी आउटपुट है ओके okay? मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया जिसकी आईडी टेक्स्ट बॉक्स है और फिर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए उसके स्टाइल में कि उसका स्टाइल जो है उसका कलर जो है रेड कर दो सो नाउ द फॉन्ट कलर विल चेंज टू रेड ओके तो ऐसी चीजें हैं तो ऐसा एक एग्जांपल बना के देखते हैं राइट right? यही वाला जो हमने करा था इसमें वील हैव सम एक डिव रख लेते हैं ओके एंड डिव में लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड ओके और इस डिव को एक आईडी दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू हेलो डिव ओके तो एक हेलो डिव नाम की आईडी से मैंने एक डिव बना दी ठीक है और एक नीचे बटन बना रहा हूं क्लिक मी, और इसके क्लिक पे क्लिक हैंडलर नाम का एक मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्लिक हैंडलर बनाया और क्लिक हैंडलर पे मेरे को क्या करना है सबसे पहले मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी और इसके अंदर आई पास दी क्या आई डी थी डिव राइट right? तो एक बार मेरे को हेलो डिव मैंने ग्रैब कर लिया तो इसको मैं किसी वेरिएबल में डाल लूंगा वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप वायर ए इज इक्वल टू दिस कुछ भी रख सकते हो ओके okay? तो यहाँ पे डिव रख देते हैं इसका नाम तो अब मैंने अगर डिव में ये हेलो डिव को ग्रैप कर लिया अब मैं कह सकता हूँ डिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में मेरे को वैल्यू देनी होगी सो डबल कोट्स में सो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक एंड सिमिलरली आई कैन से इनस्टेड ऑफ बैकग्राउंड नॉर्मल सिर्फ कलर जो है उसको रख देते हैं व्हाइट ओके तो वाइट ये मैंने कर दिया सेव ओके okay. तो अब मैं जाता हूं अपने पेज पे अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है अगर मैं क्लिक नहीं करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और टेक्स्ट जो है वो व्हाइट हो गया राइट right? तो ऐसे हम डॉम में चेंजेस कर सकते हैं तो इसका हमने एक एग्जांपल देख लिया राइट right? uh, तो रिकैप है ये उसी चीज का गेट एलिमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वी कैन चेंज टेक्स इन साइड मोस्ट एलिमेंट बाई से ये भी ये भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जहां हमने करा था स्टाइल एंड कलर जो है ऐसे स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर ये स्टाइलिंग चेंज हुई राइट मेरे को अगर कंटेंट चेंज करना है इस डिव का तो कैसे होता है डिव डॉट इनर एच टी एम एल अगर मैं इसको बोल दू इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू एच वन और एच वन के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो राइट right? और ये पूरा जो चीज है ये मेरे को ऐसा स्ट्रिंग पास कॉन्टेंट टू दिस थिंग अगर मैं रिलोड करके देखू इसका इनर एच टी एम एल अब हेलो बन गया अगर मेरे को पूरा एच टी एम एल चेंज नहीं करना मेरे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है तो आई कैन राइट इनर टेक्स्ट ओके तो इनर टेक्स्ट में मैं ये टैग्स नहीं डाल सकता एच टी एम एल टैक्स तो ऐसा अगर मैं करूंगा एंड एंड आई गो टू द पेज रीलोड अब आप देख सकते हो okay? तो मेजरली इन एच टी एम एल या इनर इन से आपका काम हो जाता है एक्सेप्ट सम केसेस और वो सम केसेस क्या है लेट से यहाँ पे मैंने एक इनपुट डाल दिया ओके okay? इनपुट क्या होता था इनपुट होता था टू टेक यूजर इनपुट ओके इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डाल दिया एंड यहाँ पे ऐसे इसका आईडी दे दो एंड आई डी इज इक्वल टू हेलो इनपुट ठीक है तो मैंने एक इनपुट बना दिया और इस इनपुट को अम, मेरे को इस बटन के क्लिक पे साथ में इनपुट की वैल्यू भी चेंज करनी है तो वॉट आईज वेर आई एन पी इज इक्वल टू पहले तो ग्रैब कर लो इसको सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एंड इसमें लिखो हेलो इनपुट ओके एंड अब अगर मैं करूंगा आई एन पी डॉट इनर टेक्स्ट तो इससे मेरा टेक्स्ट चेंज नहीं होगा तो मेरे को इनपुट के लिए क्या करना होता है डॉट वैल्यू तो अगर मैं कहूंगा डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो तो अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो हेलो हो जाएगी इसको भी एक बार देख लेते हैं सो so, रिलोड अब ये एक इनपुट है यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूं ठीक है मैं क्लिक भी करूंगा तो आप देख सकते इसकी हो इसकी वैल्यू हेलो हो गई यहीं पे अगर मैं इनर टेक्स्ट करता है तो इट विल नॉट वर्क ये कर रहा हूं तो इट विल वर्क यही एग्जाम्पल हम गूगल पे भी देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट होता है ठीक है तो इस इनपुट को अगर मैं ग्रैब कर लू राइट ये देखो ये एक इनपुट है ना तो इसको मैंने ग्रैब कर लिया मैं अगर डॉलर जीरो लिखता हूँ तो डॉलर जीरो में मेरा क्या आएगा ये इनपुट आएगा है ना तो अब मैं क्या करूंगा डॉलर जीरो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड अगर मैं ये करता हूं तो आप देखो इनपुट में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया राइट right? तो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द वैल्यू और इसी का मेरे को अगर कोई स्टाइल बदलना होता तो डॉलर जीरो डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू अब मैं यहाँ पे डाल सकता था रेड ठीक है तो हेलो वर्ल्ड जो है वो देखो रेड हो गया ओके okay? तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऐसे हम स्टाइलिंग और वैल्यूज दोनों बदल सकते हैं राइट right? Um, जो हमने स्टाइल के अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज करी जैसे हमने देखा था कलर ऐसे ही हम पैडिंग बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड टॉप फॉन्ट फॉन्ट साइज फैमिली ये सब चेंज कर सकते हैं और ये कॉरेस्पॉन्ड किसको करते हैं अगर हम सी में देखें तो बैकग्राउंड हाइफन कलर जो एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ बैकग्राउंड कलर बन जाता है तो द रूल इज कि हमेशा बीच में से हाइफन हटाओ और कैमल केस कर दो अल्फाबेट को कैपिटल कर दो हाइफन हटाओ और कैमल uh, केस कर दो राइट right? तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा ये है जो हमारा सी एस प्रॉपर्टी होती है ये कॉरेस्पॉन्डिंग डॉम की स्टाइल प्रॉपर्टी हो जाएगी ठीक है तो दिस इज द रूल आप अगर देखना चाहते हो यू कैन फाइंड डॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी ऐसे प्रॉपर्टीज की तो यू कैन ट्राई एंड प्ले अराउंड विद देम ओके आई हॉल्टेयर अगेन फॉर अ वाइल अगर किसी को कोई इशू है या कोई डाउट है कूल देन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन आगे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम यूज करने वाले हैं अभी तक हमने वैर से डिफाइन करे थे तो वी ऑलरेडी नो वैर इज द की वर्ड ओके एंड वैर के आगे हम कुछ भी लिखते हैं और उसको कुछ वैल्यू देते हैं तो दिस बिकम्स द की वर्ड एंड ये उसकी वैल्यू हो जाती है राइट right? तो जैसे हम देख सकते हैं वैर क्लाइंट नेम इज इक्वल टू कॉनी क्लाइंट या फिर वैर एज इज इक्वल टू थर्टी टू वैर वेट इज इक्वल टू 127.4 हम floating value दें, integer value दें, string value दें, वेर की कीवर्ड के बिना भी हम डिफाइन कर सकते हैं कीवर्ड वेरिएबल्स uh, को ओके okay. तो जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं JavaScript लिख सकता राइट right? तो अगर मैं बोलूं कार इज इक्वल टू बीएमडब्ल्यू तो मेरा कार एक कीवर्ड बन चुका है अगर आप देखो कार कार की वैल्यू प्रिंट अगर मैं करूं कंसोल लिखू कार तो आप देख सकते हो बीएमडब्ल्यू रहा है सो इट इज ऑलरेडी डिफाइंड एज अ वेरिएबल मैं वेयर लिखू एंड लिखू वेयर कार इज इक्वल टू ऑडी सो अब मेरा कार जो है वो अभी भी एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू ऑडी है राइट तो के साथ भी कर सकता हूं एंड वैर के बिना भी डिफाइन हो सकते हैं variables, right? Now, um, next, हाँ ये जो वैर है की वर्ड है एक तो इट इज अगर आप कैपिटल तो वो की वर्ड नहीं होगा इट इज okay? um, तो अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट में टाइप्स है ही नहीं जावा स्क्रिप्ट डाइप तो ये थर्टी जो है ये दोनों एक नंबर टाइप को बिलोंग करते हैं राइट right? ऐसे ही ट्रू फॉल्स एक बुलियन टाइप को बिलोंग करते हैं पड़ते हैं। होता क्या है रन टाइम पे अपने आप जावास्क्रिप्ट देखती है एज इज इक्वल टू थर्टी है तो 32 क्या है 32 टू ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेती है एक नंबर टाइप है ओके okay? तो इंटरनली जब वो स्टोर करता है इसको तो इट स्टोर्स इट एज ए नंबर ओके बट जब हम डिफाइन कर रहे हैं we don't need to specify कि ये है है या boolean है, क्या है okay. the similar way it works for Python. Python में भी हम ऐसे ही करते हैं। आपने Flask Django guess, हैं, आपने और के कुछ लगा लिए तो यू मस्ट बी कम्फर्टेबल विद इट कि पाइथन में भी ओनली डिफाइन वॉट द वैल्यूज टू बी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है तो इस चीज को हम बोलते हैं लूजली टाइप्ड तो वो loosely typed है वो लूजली टाइप्ड है पर uh, टाइप्स जो हैं वो कैलकुलेट होके स्टोर हो जाते हैं और हम कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग द टाइप ऑफ ऑपरेटर इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई uh, ये जो कोई भी अगर हमारा वेरिएबल है वो नंबर है बुलियन है क्या है अगर हम यहाँ पे देखें अगर मैं लिखू ए इज इक्वल टू टेन ओके मैं साथ में लिखूं बी इज इक्वल टू हेलो देन मैं लिखू सी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री फोर ओके okay. मैं अगर लिख रहा हूँ टाइप ऑफ एंड ए तो आप देख सकते हो नंबर आ रहे हैं सिमिलरली टाइप ऑफ बी लिखूंगा तो स्ट्रिंग आएगा एंड टाइप ऑफ सी लिखूंगा तो भी नंबर आ रहा है राइट सो टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज किस टाइप की है आप सीधा भी लिख सकते हो टाइप ऑफ ट्रू ओके तो बुलियन आएगा टाइप ऑफ फोर तो नंबर आएगा तो दिस इज द वे टाइप ऑफ ऑपरेटर वर्क्स राइट तो नेक्स्ट है सबसे पहला टाइप देखते हैं इज द नंबर नंबर टाइप टाइप तो में क्या होता है कि वी कैन स्टोर इंटीजर्स रियल नंबर फ्लोट इन सबको हम नंबर टाइप में स्टोर करते हैं राइट एंड नंबर टाइप पे हमारे जो डिफॉल्ट ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड प्लस प्लस माइनस माइनस ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं सेम जो हमारे जावा में या सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है राइट इनकी प्रेसिडेंस भी सिमिलर होती है जावा से जैसे जावा में प्रेसिडेंस होती है सिमिलरली यहाँ पे होती है पाइथन uh, में भी ओके okay, सो so ये तो था जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है right? है नंबर्स का राइट एक स्पेशल चीज वो होती है ऑटो टाइप कन्वर्जन तो दिस इज स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट कि ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाती है वो कैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं uh, मैं लिखता हूं टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री तो मेरा आंसर सिक्स आता है राइट right? अगर मैं इधर थ्री को स्ट्रिंग में लिखता हूँ तब भी मेरा आंसर सिक्स आता है वो क्या कर रहा है वो देख रहा है कि ये जो सेकंड चीज है थ्री राइट right? अगर ये मेरी कुछ ऐसी है जो कि कन्वर्ट हो सकती है एक इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन के लिए या फिर एक नंबर में मल्टीप्लीकेशन के लिए राइट right? तो इसको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक फॉर्म में राइट right? सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पहले चीज को भी स्ट्रिंग कर देता हूँ दूसरी को भी स्ट्रिंग आप देख रहे हो दोनों कन्वर्ट हो गए एंड सिक्स आ गया राइट सो दिस इज ऑटो टाइप कन्वर्जन कि अगर मेरे ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है तो ऑटोमेटिकली ये आएगा राइट मैं यहीं पे अगर टू ए लिख देता तो अब अब आप देखो कि क्योंकि टू ए कन्वर्ट नहीं हो सकता था तो ना टू ए कन्वर्ट हुआ ना थ्री कन्वर्ट हुआ और आंसर आया एन ए एन एन ए एन मतलब नॉट अ नंबर सो अगेन हमने पहले भी देखा था एरर्स थ्रो नहीं करता है जावास्क्रिप्ट रिलेटिवली बहुत कम एरर्स थ्रो करता है तो नॉट अ नंबर आउटपुट आ गया राइट तो दिस इज अबाउट ऑटो टाइप कन्वर्जन नेक्स्ट इज कॉमेंट्स तो जावा स्क्रिप्ट में कॉमेंट्स वैसे ही काम करते हैं जैसे जावा या फिर सी प्लस प्लस में है ऐसे अगर आप डालोगे तो सिंगल लाइन कॉमेंट होगा और स्टार स्लैश में डालोगे तो मल्टी लाइन कॉमेंट होगा यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेजेस के कॉमेंट बताए हुए हैं कैसे हैं एच टी एम एल में कॉमेंट हम ऐसे डालते हैं सी एस एस जावा स्क्रिप्ट पी एच पी में ऐसे डालते हैं जावा Java या जावा स्क्रिप्ट में ऐसे डालते हैं राइट सो आप ये देख सकते हो नेक्स्ट इज द मैथ ऑब्जेक्ट तो मैथ ऑब्जेक्ट क्या है अब जावास्क्रिप्ट में हमने देखा कि सारी चीजें जो हैं वो इवेंट uh, ड्रिवन होती हैं राइट right? दूसरी चीज एक और पॉइंट है जो कि ये है कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने लिखा हो कहीं पे हैश इंक्लूड समथिंग है ना या फिर मैंने कहीं नहीं लिखा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग राइट तो ऐसा कुछ नहीं लिखा बिकॉज जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग बिकम्स ग्लोबल तो so, हर चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो आपको यूज करना है आप करते जाओ सो बाई डिफॉल्ट देर इज अ मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है राइट right? तो so, ये मैथ ऑब्जेक्ट जो है इसमें बहुत सारे फंक्शन है जैसे ए बी एस ए कॉस ए कॉस एच ए साइन ए साइन एच है ना तो so, ये ये सारे फंक्शन है मैथ में लॉग लॉग टेन लॉग टू लॉग वन पी मैक्स मिन पावर पाओ रैंडम तो इन फंक्शन के थ्रू हम मैथ लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं तो so, जैसे आप देख सकते हो मैथ डॉट रैंडम राइट right? अगर मैं डॉट रैंडम रैंडम लिखता हूं, तो मेरे को एक नंबर मिलता है जीरो से 1 के बीच में इसको आप हर बार कॉल तो right? तो इसको टेन से मल्टीप्लाई कर सकते हो राइट मैथ डॉट रैंडम इंटू टेन करोगे तो आपकी वैल्यू जीरो से टेन में आएगी okay. तो हाउ रैंडम नंबर वर्क राइट ऐसे ही मैथ में बहुत सारे और फंक्शन है जो कि आप देखो मैथ यहाँ पे एक रैंड रैंड right? इसने बनाया जो इसने कहा मैथ डॉट रैंडम उसको टेन से मल्टीप्लाई करा एंड उसमें वन ऐड कर दिया अब ये जो है हमारा टेन तक का कोई भी नंबर आएगा राइट right? और ये नंबर जो है दिस विल बी डेमल फ्लोर टाइप नंबर होगा राइट right? अगर मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर कर देता हूँ

इसमें ई e और पाए होते हैं दो कॉन्स्टेंट्स और कुछ फंक्शन हैं जो आप ट्राई करके देख सकते हो एसक्यू आर टी स्क् रूट टेन इज फॉर टेन मिन मैक्स फॉर मिन मैक्स ओके तो इन फंक्शन दीज फंक्शन नेक्स्ट इज नल एंड अनडिफाइंड तो ये एक स्पेशल केस है जावास्क्रिप्ट में जहां पे आप देखोगे वी हैव टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज एक होता है नल और दूसरा होता है अनडिफाइंड एंड सुनने में लगता है कि दोनों जो हैं दोनों का काम काफी सिमिलर है बट uh, क्योंकि दो दो वैल्यूज अलग अलग हैं तो देर इज डेफिनेटली सम रीजन कि इनमें डिफरेंस क्या है तो अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसी वैल्यू के लिए यूज होता है विच हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जैसे लेट से मैंने बोला अभी एक कार मैंने बनाया था ना वेरिएबल बट मैंने कोई बाइक वेरिएबल नहीं बनाया राइट तो अगर मैं बाइक की वैल्यू बोलूँ कौन सो लॉग बाइक है ना तो बाइक जो है वो मेरा अनडिफाइंड होगा क्यों क्योंकि बाइक इज नॉट डिफाइंड तो उस, वो undefined है okay? And अगर मैं बोलूं कि आ, कोई वैल्यू है लेकिन उसके मतलब कोई चीज है लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है ओके okay? उसको या तो जान के हमने उसको एम वैल्यू देना चाहते थे so we have made it null, या फिर हमने उसको अभी तक कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी ओके okay? हो सकता है मैं ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर दूं ए एक मैंने वेरिएबल बना दिया वेर ए ठीक है एंड ये वेरिएबल जो है मैंने इसको कुछ वैल्यू नहीं दी है या फिर इसको मैं स्पेसिफिकली एम वैल्यू देना चाह रहा हूँ ए अब मैं ए को बोलूंगा ए नहीं ए हमने पहले कर लिया है वैर एक्स कर देते हैं तो अगर मैं एक्स की वैल्यू बोलूंगा अभी एक्स मेरा अनडिफाइंड है ओके okay? क्योंकि वो उसको कोई वैल्यू मिली ही नहीं है लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्स को मैं जान के एक एम टी वैल्यू देना चाहता हूँ तो तो right? तो uh, तो कुछ uh, वो डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसको उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इट अनडिफाइंड ओके नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी सेम है एक्सेप्ट आखरी के ये ऑपरेटर्स जो हम अभी समझेंगे कि क्या है तो ये सारे ये 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 सारे ऑपरेटर सेम है, except अगर आप देखो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर राइट तो ये एक नया ऑपरेटर है तो लेट्स सी हाउ दिस ऑपरेटर इफ आई से नंबर टू ओके तो टू okay, तो जो है अगर मैं टाइप ऑफ टू बोलू तो ये नंबर है राइट right? अगर मैं यहीं पर टू कोर्ट्स में डबल कोर्ट्स में डाल दू तो टाइप ऑफ टू बिकम स्ट्रिंग राइट एंड अगर मैं लिखू टू डबल इक्वल टू एक स्ट्रिंग जिसमें टू है तो ये ट्रू आता है है ना तो एक लॉजिकल ऑपरेटर डबल इक्वल टू जो होता है नॉर्मल लैंग्वेजेस में वो क्या कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ट्रू होगा जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू क्या करता है वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू टू है राइट right, तो ये ट्रू आ रहा है लेकिन इनके टाइप डिफरेंट है तो ये टाइप चेकिंग नहीं करता है ओके सो वेन एवर वी वॉन्ट टाइप चेकिंग एंड वैल्यू चेकिंग तो हम क्या करेंगे वी विल से ट्रिपल ट्रिपल इक्वल इक्वल टू टू अगर मैं करूं to, to, में द आंसर विल बी फॉल्स राइट यहीं पे अगर मैं कोर्ट्स को अब हटा दूं तो यू सी द आंसर इज ट्रू सो दैट इज हाउ ये ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स वर्क तो दिस इज uh, जैसे ट्रिपल इक्वल टू है वैसे ही नॉट डबल इक्वल टू दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रिपल इक्वल टू जैसे डबल इक्वल टू का नॉट इक्वल टू होता है ऐसे ट्रिपल इक्वल टू का नॉट डबल इक्वल टू तो दीज आर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेकिंग दे चेक बोथ टाइप एंड वैल्यू ओके लास्ट इज की इफेल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे इफेल स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है इफ कंडीशन तो यहाँ पे स्टेटमेंट कॉल करो if, तो स्टेटमेंट कॉल करो एल्स स्टेटमेंट कॉल करो राइट वेरी सिंपल तो इफ एल्स को यूज कैसे कर सकते हैं इफ एल्स को यूज कर सकते हैं जैसे अगर हम देखें यहाँ पे डिव uh, पे हम कह सकते हैं इफ और यहाँ पे हम बोले इसके अंदर डिव का स्टाइल बैकग्राउंड कलर डबल इक्वल टू ब्लैक अगर ये ब्लैक है कलर तो क्या करना है तो हम इसको व्हाइट कर देंगे बैकग्राउंड कलर को के स्टाइल का बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू व्हाइट। एंड साथ में इसका जो फॉन्ट कलर है उसको कर देंगे ब्लैक डिव डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक ठीक है यहाँ पे एक साथ में एल्स ब्लॉक बना देते हैं कि अगर ये ब्लैक नहीं है है ना तो वॉट वी हैव टू डू इज वील से कि इसका डिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर को कर दो आप इक्वल टू ब्लैक ब्लैक एंड इसका कलर को कर दो वाइट ठीक है बाकी का नीचे का सब ये उड़ा देते हैं तो मैंने यहाँ क्या लिखा मैंने लिखा कि अगर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो उसको व्हाइट करना है हमको एंड फॉन्ट कलर को ब्लैक वरना अगर ब्लैक नहीं है मतलब व्हाइट होगा तो अगर वो व्हाइट है तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो एंड कलर उसका व्हाइट कर दो है ना तो अब अगर मैं क्लिक हैंडलर को कॉल करूं क्लिक हैंडलर कॉल कैसे हो रहा था बटन क्लिक से राइट right? तो अब आप देखो इसके हर क्लिक पे टॉगल हो रहा है इसका कलर राइट right? तो दिस इज हाउ इफेल्स वर्क्स ठीक है लास्ट इज बुलियन बुलियन टाइप टाइप तो इज द लास्ट जिसमें हम देखेंगे कि वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है राइट right? और बाय डिफॉल्ट हर एक वैल्यू जो है एक्सेप्ट जीरो जीरो पॉइंट जीरो नैन एंड एम टी स्ट्रिंग नल अनडिफाइंड इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू बोलो अगर आप तो वो एक ट्रू वैल्यू होती है तो अगर मैं बोलूं किसी चीज को मैं बुलियन में कन्वर्ट करूं, जैसे मैं लिखूं बोलियन ऑफ यहाँ पे कोई भी अंदर नंबर लिख दू तो मैं इस इन जावा तो, right? so तो ये फॉल्स होगा अगर आप बोलो इफ वेब डेवलपमेंट इज ग्रेट तो ये ट्रू होगा राइट इन वैल्यूज को फॉल्सी वैल्यू बाकी कोई भी वैल्यू ट्रुथ वैल्यू राइट एंड लूप फॉर लूप अगेन इज द सेम जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में देखते हैं फॉर और यहाँ पे वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो पे कंडीशन और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर राइट तो दिस इज हाउ फॉर लूप लूपर्स जैसे फॉर लूपाइल है तब तक ये लूप चलता रहेगा एंड डू वाइल लूप इज ऑल्सो द सेम की ऑल दी स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू राइट पॉपअप बॉक्सेज पॉपअप बॉक्सेज हमने देखे थे जैसे हमने अलर्ट में मैसेज डाला था

राइट देन वी हैव एरेज एरेज क्या होते हैं एरेज होते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा राइट लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरेज का हमको द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम एरे में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं राइट right? तो जैसे मैं बोलूं यहाँ पे मैंने एरे में स्ट्रिंग्स डाली हैं हो सकता है कि इसके बाद मैं आगे नंबर डाल दूं तो आई कैन इंसर्ट एनी डेटा टाइप्स इन एन एरे इस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या स्टोर्ड है उसमें ओके okay? और मैं कोई भी उसका इंडेक्स यहाँ डालू एरे ऑफ वन तो मेरे को पहला पहली आइटम मिल जाएगी सिमिलरली मैं कभी भी एरे डॉट लेंथ करूंगा स्टूगल्स डॉट लेंथ तो मेरे को उसकी लेंथ मिल जाएगी राइट right? हाँ अब एरे के कुछ मेथड्स भी होते हैं जैसे एरे डॉट सॉर्ट उसको सॉर्ट कर देगा एरे डॉट रिवर्स उसको रिवर्स कर देगा राइट right? तो यू कैन प्ले अराउंड दीज मेथड्स ये स्लाइड्स मैं आपको भी शेयर कर दूंगा यू कैन प्ले अराउंड विद दीज मेथड्स एंड सी क्या क्या मेथड्स हैं ओके

यहाँ पे मैंने क्या करा है एस डॉट इंडेक्स ऑफ तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है अगर मैंने इसको स्पेस दिया राइट तो एस डॉट इंडेक्स क्या बताएगा कि पहली बार स्पेस कहाँ आया तो so, वो वाला स्पेस तक मेरे को जाना है तो कॉनी वर्ड आ जाएगा राइट तो दीज आर ऑल्सो सम मेथड्स अगेन स्पेसिफाइड फॉर स्ट्रिंग कैर कैर एट कोड एट तो इनको भी आप टू अपर केस टू लोअर केस केसिंग मतलब दे आर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द नेम तो यू कैन ट्राई अराउंड दीज मेथड्स एंड We can discuss them if you have any issues. So, yeah, this is from my side for this session. And uh, if you have any issues, we can discuss them. I am sending over all these slides uh, to you. Okay. You can go through them once and. Uh, you can get to me over my mail as well if you have any issues. Sir, will you be able to make me these slides so that I can mail to all students? Yes, sure. Uh, can you share your mail ID with me? Yeah, I will WhatsApp you. Okay, okay, sure. Okay, the previous sessions also and this one too. So that will be good for students. Sure, sure. Uh, I'll share them. Okay. Uh, if anyone has any doubt, you can ask me. I guess this is my last session for this uh, series. Okay, then uh, thank you. Thank you, everyone. Thanks a lot, sir. Thank you, sir.